वेजाइनल इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या होंगे और किन कारणों से होता है और ज़्यादातर ये किस एज ग्रुप की महिलाओं को होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये वेजाइना इन्फेक्शन क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें। वेजाइनल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर किसी महिला को ये हो जाता है तो वो महिला शर्म से या फिर बात छिपाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाती हैं। लेकिन जब बीमारी आगे बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आगे, तब उन्हें लास्ट में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। लेकिन तब तक कोई और बीमारी के रूप में ये बन जाता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाए, किसी महिला को ये इन्फेक्शन है, तो आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, घर पे भी आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वेजाइना इन्फेक्शन होता क्या है। हमारे वेजाइना में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी कि एसिडिटी लेवल को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वेजाइना में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, इन गुड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये वेजाइना इन्फेक्शन किस एज ग्रुप की महिलाओं को होता है। देखिए, जब उम्र शादी की हो जाती है, 18 के बाद से हम कह सकते हैं, तब के महिलाओं को ये बीमारी हो सकती है। ये इन्फेक्शन ज्यादातर किन महिलाओं को होता है, तो अगर किसी महिला का इंटरकोर्स एक से ज्यादा पार्टनर के साथ हो रहा है तो उन्हें हो सकता है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है। तीसरा, अगर किसी का एज मेनोपॉज की तरफ जा रहा है तो उसे भी हो सकता है। करते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या क्या लक्षण होंगे, क्या इसके सिम्टम्स होंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला सिम्टम होगा, बर्निंग, जलन होगी, वेजाइना में जलन सा फील होगा, बर्निंग होगी। इंटरकोर्स के बाद बर्निंग होगी, अच्छा फील नहीं होगा, जलन सा महसूस होगा। इसके बाद इसमें इचिंग होगी, बहुत खुजली करने की इच्छा होगी। साथ ही वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा वो कर्डी व्हाइट कलर का होगा या फिर ब्राउनिश कलर का होगा, और फिर इसका स्मेल कुछ फिश की तरह होगा, जैसे मछली की जो गंध आती है, बदबू आती है, वैसा इसका स्मेल होगा। इसके साथ ही स्क्रैचिंग जैसा फील होगा, इंटरनल खुजली बहुत ज्यादा होगी और फिर एब्डोमिनल एरिया में पेन होगा, यूट्रस के पास बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये इन्फेक्शन जनरली फंगल इन्फेक्शन होने के कारण होता है, ये बहुत ही कॉमन है महिलाओं में, और जैसा कि मैंने बताया 18 के ऊपर की महिलाओं में ये कॉमन है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा हल्का फुल्का सिम्टम्स लगे, तो आप इसके तुरंत ट्रीटमेंट में लग जाइए। बात करते हैं कि आखिर वेजाइना इन्फेक्शन होता क्या है, इसके कारण क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला कारण है, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उसका अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर उसके यूज से भी हो सकता है। अपने प्राइवेट पार्ट को आप कोशिश करें कि नॉर्मली पानी से ही क्लीन करें, कोई भी हार्श केमिकल से क्लीन ना करें। ज़्यादा मात्रा में सेंटेड सोप का यूज़ करना, बहुत अच्छे स्मेल वाले जो साबुन होते हैं उसके यूज़ से भी प्रॉब्लम होती है, उसके यूज़ से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है, अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ, एक पार्टनर के अलावा अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ यौन संबंध में हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, तब भी इसके होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तब भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉमन रीजन है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत देर तक वेट रखते हो, बहुत लंबे टाइम तक अगर वो गीला है, ड्राई नहीं हुआ है, तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो नहाने के बाद आप उसे अच्छे से कॉटन के टॉवल से उसे क्लीन करें, जैसे आप अपने बॉडी को क्लीन करते हो वैसे ही अपने प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन करें। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसके प्रिवेंशन की, ऐसा क्या करें कि आपको वेजाइना इन्फेक्शन हो ही ना। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये लंबे टाइम तक वेट रहेगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा। कॉटन का टॉवल लेकर के या फिर कॉटन का सॉफ्ट कपड़े से आप इसे क्लीन कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लेना होगा, जैसे कि वाटर का इनटेक आपको बढ़ाना होगा, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए, अनहेल्दी फूड अवॉइड कर दें, हेल्दी फूड ज्यादा खाएं, प्रॉपर स्लीप लें, नींद आपको प्रॉपर लेनी है, एक अच्छी खासी नींद लेनी है। इसके साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है ताकि ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। इसके अलावा इंटरकोर्स करने के बाद आप यूरिन पास करें,
इसके बाद अगर आपको अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत है तो आप उसे बंद कर दें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोगों की आदत होती है कि यूरिन को लंबे टाइम तक कंट्रोल करते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको यूरिन पास नहीं करना है, तो आप ये कोशिश करें कि यूरिन जल्दी से जल्दी पास कर दें, बहुत लंबे टाइम तक उसे कंट्रोल करके ना रखें, उससे भी इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं होम रेमेडी की, घरेलू उपाय इसके क्या हैं। तो देखिए, अगर आपको इन सारे में से कोई भी लक्षण दिख रहा हो तो आप आइस पैक यूज़ कर सकते हो, ठंडे जो आइस क्यूब होते हैं उसको आप वहाँ अप्लाई करें, बहुत हद तक प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इसके अलावा आप वार्म बाथ ले सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बर्निंग बहुत हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसमें से बैड ऑडोर आ रहा है, गंदी स्मेल आ रही है फिश की तरह, तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाएं। बहुत लोग हिचकिचाते हैं, डॉक्टर से शर्माते हैं कि कैसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। इसमें शर्म नहीं आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो डॉक्टर को इमीडिएट दिखाएं। जब आप डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाओगे तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देंगे, एंटी फंगल क्रीम देंगे, प्रोबायोटिक्स देंगे। इसके थ्रू आपका मेडिकल चेकअप होगा और आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, इससे क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकता है। देखिए, इससे एचआईवी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो एबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, या फिर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फिर बच्चे का वजन कम हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन दिख रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि वेजाइना इन्फेक्शन क्या है और क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसके हेल्थ रिस्क हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आप इमीडिएट डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।